अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बिरयानी, शेरवानी और जिन्ना ये चुनावी मुद्दा बन गए हैं, रोहिंग्या चुनावी मुद्दा बन गए हैं, चुनाव निगम के हो रहे हैं लेकिन मुद्दे ये सब बन रहे हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में जब चुनावी रैलियों को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने ओवैसी को जिन्ना का नया अवतार बता दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो हैदराबाद को इस्तांबुल बना देना चाहते हैं। और भी क्या क्या कहा है तेजस्वी सूर्या ने, पहले आपको ये दिखाते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज थिंक अबाउट दिस, व्हाई दिस म्युनिसिपल इलेक्शंस इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। If you vote for OYC here, OYC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OYC here, OYC becomes strong in Bihar. If you vote for OYC here, OYC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OYC here, OYC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OYC mean? Who is OYC? OYC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. Every single vote you give to the Bharatiya Janata Party is a vote for Bharat, is a vote for Hindutva, is a vote for making our country much stronger. A vote for OYC. Please tell this to every single Bharatiya in Telangana, every single Bharatiya in Hyderabad. A vote for OYC will mean a vote against India. A vote for OYC is a defeat for all good things that India stands for. We will not let this Islamization happen. We will not let this Islamization happen. Yuva Morcha Telangana, this is our sankalp. Bharatiya Janata Party Yuva Morcha ka sankalp yahi hai. तेजस्वी सूर्या और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयानों पर ओवैसी ने भी करारा पलटवार किया है। क्या कहा है ओवैसी ने, आइए दिखाते हैं। अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा बीजेपी को, इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। हैदराबाद को आ रहे तो बाबा जरा इनको अल्हम्दुलिल्लाह की बिरयानी तो खिलाओ, थोड़ा होश ठिकाने आता। अने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर आ रहे, आके बोल रहे मंजलिस कोर्ट दिए तो टीआरएस को फायदा होता, मंजलिस कोर्ट दिए तो कांग्रेस को फायदा होता। बीजेपी के लोग बोल रहे कि हैदराबाद में 30,000-40,000 रोहिंग्या है, वोटर लिस्ट में नाम है। वो असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना बन गए। मंजलिस कोर्ट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मंजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मंजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। शुरू गुफ्तगू की शुरुआत मंजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। खामखा मेरे पीछे पड़े हुए तुम लोग हैदराबाद में। हम लोग बोलते बीजेपी वालों, अगर खुजाए तो खुजली तुम्हारे को हो जाएंगी, याद रखो। खुजाओ मत, खुजाए तो खुजली हो जाती। कुछ दो मुंह को आप बोल रहे। अरे 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे, वो मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30,000-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्ट्रोल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्ट्रोल लिस्ट हम बनाते हैं। अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के। तेजस्वी सूर्या ने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के समय लोगों से क्या नारे लगवाए, आइए आपको दिखाते हैं और आप खुद आकलन करिए ये नगर निगम के चुनाव है या लोकसभा के। विकास के लिए चेंज हैदराबाद, करप्शन फ्री गवर्नेंस के लिए चेंज हैदराबाद, फैमिली पॉलिटिक्स को बंद करने के लिए चेंज हैदराबाद,
सुशासन को उजागर करने के लिए चेंज हैदराबाद, 21वीं सदी की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चेंज हैदराबाद, MIM की टेररिज्म को बंद करने के लिए चेंज हैदराबाद, जय श्री राम के लिए चेंज हैदराबाद, युवा मोर्चा के लिए तेलंगाना की इस पवित्र धरती को और ऊंचाई तक लेने के लिए चेंज हैदराबाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।